कवर यूट्यूब चैनल और आज का ब्लॉग वही शादी वाला ब्लॉग ही पे है जो कि मैंने डाले थे पहले शादी के ब्लॉग। और मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी और अभी जो है नया कपल्स हैं, जो भाई है और भाई की मिसेज है, इन दोनों लोगों को जो है ओरछा लेके जा रहे हैं। अभी तो गाड़ी में कोई नहीं, वो ओरछा ही मोड़ पे यहीं पे मिल जाएंगे। चलिए चलते ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं ओरछा और ये देखो ये लोग सब जा रहे हैं और ये वही पुराना मंदिर अपना। ये है प्रसाद, यहीं से आप प्रसाद को परचेस कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जितना लेना उतना ले लो। ये है चतुर्भुज मंदिर और अगर कुछ पता नहीं होगा तो मैं आगे चल के बताता हूँ। और आज है बंधु का बर्थडे भी, तो हैप्पी बर्थडे की बंधु को सब लोग बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सभी को थैंक यू बोल दो और सभी को थैंक यू बोल दो। थैंक यू बोल दो सभी को। बोलो बेटा, हाय गाइस आप सभी को। आप ऐसे ही मेरे पापा को सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो धूप इतनी ज़्यादा है कि दिमाग खराब हो जाता है भाई, धूप बहुत ज़्यादा है तो इसलिए थकावट भी हो जाती है, धूप बहुत लगती है। अगर सुबह सुबह आ जाते तो अच्छा रहता लेकिन नहीं आ पाए किसी कारण बस। चलो अब चलते हैं वहीं पे, वहाँ पे नारियल जो यहाँ से ले जाते हैं वो वापस ले जाना पड़ता है घर पे अपने, और फिर अपने घर पे बतौर में रखना पड़ता है। जो यूपी बिहार के होंगे वो समझ जाएंगे बतौर क्या होता है, क्योंकि बात मांगने आते हैं यहाँ पे लाला हरदौल से, और जो नारियल ले जाते हैं वापस उसको ही वापस करने आना पड़ता है। चलो बने रहिए ब्लॉग में। दुकान है कुछ यहाँ, कई प्रकार के जो है सामान ले सकते हैं आप, खरीद सकते हैं और जा रहे हैं दोनों तरफ। यहाँ पे देखो चाय के स्टॉल लगे हैं और प्रसाद की दुकानें लगी हैं बहुत सारी, और ये देखो चूड़ी वगैरह हैं और बहुत सारे सामान लगे रहते हैं।
अब गर्मी है तो इसलिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ। ये देखो ये रहा चतुर्भुज मंदिर और वो दिख रहा है रामलला का मंदिर, राजा राम मंदिर। चलो चलते हैं अब आगे। यहाँ भी दुकान है। और ये देख लो सुंदर दृश्य, वाह रे माई पूरी फैमिली, आ जाओ भाई। मैं नीचे पैर चल रहे हो, नंगे पैर जाना पड़ता है मंदिर में, तो नंगे ही पैर जाना पड़ता है। इतनी भयंकर पैर चल रहे हैं, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है इसलिए फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। इधर तो हो गए हैं दर्शन, अब चलते हैं। ओ तेरी पैर गर्म हो गए बहुत, सब लोग के पैर जल गए यार, बहुत गर्म है नीचे। चलो 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 सीधे चलो, के बेल्ट उतार ले बेचारे। अभी देखो अभी हम जाएंगे लाला हरदाल के पास। चलो चलो मंदिर के जस्ट साइड में ही है लाला हरदौल का मंदिर, वहीं पे पहले भी आए थे, मैंने दिखाया था आप लोगों को। अभी फिर जा रहे हैं नारियल वापस करने, जो नारियल मिला था उसको वापस करना। और नीचे बहुत भयंकर गर्म है और दिमाग ही ख़राब हो रहा है बिल्कुल। आधे लोग रह गए रास्ते ही में। ये देखो चाय की उत्तम व्यवस्था और यहीं पे तमाम चीज़ें जो है मिल जाती हैं, चूड़ी वगैरह हो गई और सामान हो गया और नारियलों का ढेर लगा इधर। ये देखो पैसे खर्च होते हैं वीआईपी दर्शन के लिए यहाँ पे, इनके यहाँ दे सकते हैं पैसे और वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। बाबू आपको कैसा लगा मंदिर बता दो दर्शकों को, कैसा लगा मंदिर? अच्छा। क्या कहना चाहती हो सभी लोगों से? आप लोग आइए लेकिन गर्मियों में मत आइए क्योंकि आपके पैर भी जल सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे दुकानें आपको लगी मिल जाएंगी और यही सामने जो है लाला हरदौल का बैठका है, उसमें ही हम आए थे, पहले भी दिखाया था मैंने आप लोगों को और फिर दिखा रहा हूँ। और यही प्रोसेस होती है, पहले इनको कार्ड रखना पड़ता है और भात मांगते हैं, उसके बाद जो नारियल यहाँ से ले जाते हैं वो यहीं पे आके वापस करना पड़ता है, और जिनकी शादी होके आती है वो यहीं पे आशीर्वाद लेते हैं लाला हरदौल का। ये पूरी जो है पूरा परिवार आ रहा है, एक आध लोग नहीं आ पाए किसी कारण बस। ये देखो यहाँ कितनी भीड़ है। और ये रहा लाला हरदौल का बैठका, अंदर से देखो पूरा बहुत अच्छा है, सुंदर है, हरा भरा है। और यहाँ देखो कितनी भीड़ लगी है, जो शादी होके आते हैं वो यहीं पे आते हैं वापस। ये देख लो है तो मज़ेदार दृश्य है। लाला हरदौल भयंकर भीड़ लगी है, नहीं भीड़ बहुत भयंकर लगी है, भीड़ लगी ना बहुत भयंकर। कल आप आते तो एक लाख। अच्छा कल और भीड़ थी। चलिए सब पूजा वगैरह हो गई है तो ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।